आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। दिल्ली प्रदेश संगठन में नए पदाधिकारियों को नियुक्त कर आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के साथ 2025 दिल्ली विधानसभा में पार्टी युवा और अनुभवी पदाधिकारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और इसके लिए पार्टी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने इन पदाधिकारियों की सूची जारी कर इस बात की जानकारी दी, जिसमें प्रदेश संगठन सचिव और अलग अलग जिलों के जिला अध्यक्ष का नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। दिल्ली प्रदेश संगठन में नए पदाधिकारियों को नियुक्त कर आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के साथ 2025 दिल्ली विधानसभा में पार्टी युवा और अनुभवी पदाधिकारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और इसके लिए पार्टी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने इन पदाधिकारियों की सूची जारी कर इस बात की जानकारी दी, जिसमें प्रदेश संगठन सचिव और अलग अलग जिलों के जिला अध्यक्ष का नाम शामिल है।